मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, दुनिया लुट गई हो इसकी। छोटा सा कांड हो गया है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम इन अ न्यू व्लॉग। एंड अभी हो रहे हैं भाई 3:55, यानी कि शाम हो ही चुका है भाई ऑलमोस्ट। और आज घर में ना भाई कोई भी नहीं है, सभी के सभी भाई आज घर से जा रखे हैं बाहर 15-20 दिनों के लिए। तो आप जितने भी हैं ना, सत्यम, निशी, मम्मी पापा, नानी, सारे के सारे अभी आज निकले हुए हैं 15-20 दिनों के लिए बाहर। तो घर में अभी कोई भी नहीं है। कुछ तो राखी का भी कुछ ओकेजन था उसके लिए भी है, एंड देन फिर उसके बाद का भी और बहुत कुछ प्लान है, तो वो निकल गए हैं यहाँ से। तो फाइनली मैं और शुभम, हम दो लोग हैं भाई यहाँ पर। और शुभम ने भाई ऊपर वाले कमरे में कंप्यूटर उठा करके ले आया, ये कह रहा है भाई जब कोई घर में है ही नहीं तो एक काम ये करते हैं हम कि कंप्यूटर ही ले आते हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर कूलर लग रहा था ना, उस वाले रूम के अंदर ये लेकर के आ गया फिर से कंप्यूटर, यहाँ लगा दिया इसने अभी। तो भाई साहब मतलब अपनी सुविधा होनी होनी चाहिए, कहीं से भी भाई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अब अभी पूरे घर के अंदर हम अकेले हैं, तो फिर सही है भाई, आराम से ऊपर ही खाएंगे, खुद बनाएंगे भाई और खुद खाना है। जब तक भी अभी और मम्मी और पापा कोई भी नहीं है, तो अब सब जिम्मेदारी जो है भाई शुभम के ऊपर है। अब घर में पोछा लगाना हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे वो चाहे अब काम वाली बाई हो, बाया तो है। वैसे तो शुभम आज एक दिन में ही परेशान हो चुका है, इसको आज काम करना पड़ा है भाई काफी सारा, लाइका की पोटी साफ करनी पड़ी जो नहीं करता था। ये मैंने काट दिया भाई, ये काट दिया, ये सुनेगा ही नहीं किसी को। और ये लाइका को देखो भाई तुम, कैसे यहाँ पर पड़ी हुई है बीच में, बिल्कुल साथ। आज सारे चले गए ना, तो बिल्कुल ये बोर सी हो रही है। अभी लेकिन थोड़ी देर पहले तो भाई कितनी उछल रही थी, कितनी खेल रही थी अभी, और इतनी ज्यादा जिसने खाई है ना, मतलब खाना, मतलब इसको थोड़ी थोड़ी देर पे भूख लग रहा है आज तो। पता नहीं भाई क्या ही हुआ पड़ा इसको आज, लेकिन चलो खैर कोई बात, बहुत देर तक खेली है अभी, बहुत परेशान करा अभी सबको इसने। अभी जो सारे चले गए ना, इसकी वजह से भाई थोड़ी उदास भी है। कब दरवाजे के पास चली जाती है पीछे, वहां पर जाकर के खड़ी करके बैठ करके देखती रहती है कि शायद कोई अब आए, कब आए। अब पापा भी आते थे ना इस वक्त, जैसे कि शाम के वो पिताजी आ जाएगा दोपहर के वक्त, आया हर 2-3 घंटे में पापा आ जाया करते थे बीच बीच में घर। तो आते थे भाई साहब ऐसे कूदने लग जाती है। तो अभी दरवाजे के पीछे देखने लग रही है, जब से कि मतलब कई बार नीचे चली जाती है देखने के लिए कि भाई कहाँ चले गए। तो भाई सारे प्यार करते हैं यहाँ पर, सबके पास चली जाती है, नानी रहती है उनके गोद में खेलती रहती, हम रहते भाई निशी वगैरह, सत्यम आता भाई उसको, वो खेलता है इसके साथ, जो भी आता सारे खेलते खेलते, मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, दुनिया लुट गई हो इसकी। तो भाई घर पे तो, घर से तो भाई सारे चले गए, लेकिन अभी कुछ सामान लेकर के एक बार आना है हमें बाहर से। अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहे हैं अभी। अच्छा ठीक है, मैं आप ला लूंगा। देख रहे हो जिसको भी आना आ सकता, अरे मतलब आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए मेरे ठंडा। तो भाई बस, और लाइका भी भाई थोड़ी ना कमजोर भी हो गई है काफी ज्यादा, क्योंकि इसको ना डिवॉर्मिंग हो गई थी इसके पेट में। जब भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कैमरा पकड़ेगा एक बार, जब भी मतलब कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, जब पेट आपका या पपी या छोटा होता है, उसमें 40 दिनों पे इसको डिवॉर्मिंग की वो होती है, मतलब की दवाई देनी पड़ती है हमें, ताकि जो कीड़ा है वो स्किन के पेट में, हर बच्चे के पेट में ना वो मतलब कि हो ही जाता है। तो वो पढ़नी थी, तो लास्ट टाइम जब इसकी तबीयत खराब हुई, मतलब इसके पैर में जब ये चोट लग गया था, तो उसी वक्त जो है मतलब हमने डीवॉर्मिंग का मैंने ले लिया था वो, और उसको देना था हमें 1 हफ्ते के बाद, उसको 40 डेज कम्प्लीट होने के बाद, और भाई वो देना ही रह गया, और कम से कम भी 20 दिन लेट हो गए हम। और उसकी वजह से ना मतलब कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, और ये मतलब कि खाना खाने नहीं लग गई फिर हम, तो इसकी वजह से भाई फिर अब फिर समझ में आया, जब हमने डॉक्टर से दोबारा आके पूछा ना, हमने बोला भाई तुमने डीवॉर्मिंग की तो क्यों वो नहीं दी, तुमने दवाई नहीं दी, फिर हमने उसको दवाई दिया, फिर जाकर के अब ये 2-3 दिन के बाद जाकर के थोड़ी सी अब रिकवर हुई है, और अब जाकर के ये खाना खाने लग रही है। ये ऐसा सोती है, ये जब भी हम सो रहे होते हैं ना रात में, तो क्या करती है हमारे, जैसे समझ लो मैं तकिए पे सो रहा हूँ मैं, तो बिस्तर पर चढ़ जाएगी, ऊपर किसी ना किसी सपोर्ट लगा गया, नहीं तो अगर समझ लो मैं कहीं अगर जमीन पे अगर हमने गद्दे बिछा के सो रखे ना, तो हमारे साथ आ जाएगी, हमारे साथ में बराबर में आगे सोएगी। ये देख रहे हो जिस तरीके से ये सोने लग रही है, एक मतलब कि ये बिस्तर है इसका, इस बिस्तर के ऊपर जैसे ये करके सो रही है, तो इस तरीके से ही करके हमेशा सोती है ये, मतलब भाई इसको भी पूरा का पूरा पिल्लो चाहिए होता है, बिल्कुल सपोर्ट अपोर्ट के साथ में सोने के लिए। तुम्हें मजे आते हैं जब तुम्हारे घर पर कोई नहीं होता, बहुत टाइम हो गया लंबे समय के बाद, 7-8 साल तो आराम से हो गया, जब पूरे घर वाले गए, नहीं तो हमेशा ना कोई रहता था घर के अंदर। हाँ, और आज पहली बार हुआ कि हम दोनों अकेले हैं, मतलब एक बार तो और भी हो रखा है जिसमें केवल मैं अकेले था, सारे के सारे गए थे, मैं भी था साथ में, जो कि हम दोनों नीचे थे। ये झूठ बोल रहा है भाई, हम दोनों थे जो कि बर्तनों के बिल्ली बर्तन के आते थे ना, तो हमने ऐसे सबसे भाई ऊपर हम जा रहे, भूत है ये हुआ, याद आया कुछ? सीक्रेट नहीं बताते। अच्छा, अरे सीक्रेट नहीं बताते, छोटे थे ना सर में, ज्यादा बात ये नहीं सुनना है तुम्हें। और बाहर जाने से पहले सोच रहा हूँ भाई पहले चाय पी लेता हूँ मैं, तो चाय चढ़ा दिया वैसे मैंने पहले ही, तो भाई आज कॉफी नहीं, आज हम बनाएंगे चाय।
हाँ भाई, चाय चाय तो पता आप लोगों को कि मैं पीता नहीं हूँ, बट आज मैंने भाई कि मैं चाय बनाऊंगा अपने हाथों की बनाई, बिल्कुल कड़क। इसमें लौंग, इलायची, अदरक और क्या है, एक इसके अंदर टी मसाला था हमारे पास पड़ा, हमने टी मसाला भी मिला दिया मैंने इसके अंदर। और ये देखो कितनी गाढ़ी चाय है, देख रहे हो, ओहो भाई साहब बिल्कुल हार्ड चाय बनाई है मैंने। ये वो कहते हैं ना कड़क चाय, तो वही कड़क चाय है, मतलब जोगिंदर भाई के स्टाइल में बोलूं, आज थारा भाई ऐसा चाय बनाएगा, ऐसा चाय बनाएगा किसी ने सोची ना होगी। चलो भाई चाय बनने लग रही है। तो भैया जी चाय तो अपनी उबल चुकी, निकाल लेते हैं इसको कप में, है ना। और भाई तुम्हारा सुबह सो गया भाई कंप्यूटर सेट करने के बाद, तो इसको भी उठाना पड़ेगा अब तो। हेलो, जल्दी चाय पकड़, थोड़ा सा रस निकाल लिया जाए, रस के साथ खाने में बहुत मजे आते हैं भाई ना। ये ले पकड़ अब इसको। चलो तो चलो ठीक है भाई, चाय तो चलो अपनी चाय ख़त्म करता हूँ एंड यहाँ से फिर डायरेक्टली निकलते हैं। तो चलो भाई पहुँच गया हूँ सेक्टर 4, और भाई क्या वेदर हो रखा है अभी, इस वक्त बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, जबरदस्त हो गया भाई, एक नंबर का मौसम हो चुका है अभी। और स्कूटी खड़ी कर दी भाई मैंने पीछे DN के पास में, और जाना है भाई मेरे को वहाँ पर, ये दिख रहा है पलटू स्टेशनरी। हाईलाइटर देना लाइट ग्रीन को छोड़ के। तो भाई हाईलाइटर वगैरह ले लिया हमने, लेकिन शुभम की भाई आंसर सीट तो खैर मिली नहीं, वो कहेगा भाई जो इम्पोर्टेंट था वही ले लिया आपने, बाकी तो ले लिया आपने सब कुछ। तो चलो स्कूटी लेते हैं और निकलते हैं सीधा फिर घर, है ना। तो चलो भाई आ गया हूँ स्टेशनरी से, ले लिया भाई जो सामान वगैरह लेना था, और अभी आने के बाद एक छोटा सा कांड हो गया है। कांड क्या, वो ये है कि भाई लाइकून है जो नहीं है, ये लाइकून है, इसने भाई शुभम को काट लिया भाई अभी। तो भाई अभी हमने इसको इंजेक्शन भी नहीं लगवाया था लाइका को, तो अब भाई मैं मुझे लग रहा है कल जाकर इसको इंजेक्शन ना लगवा ही लेने में फलाइए, है ना शुभम, कल लगवा लेंगे इसको। तो इसको भी इंजेक्शन जो है लगवा देंगे हम, इसका रेबीज का होता है, बाकी भाई ये शुभम जो है इसने भी जाकर के अभी सिविल हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवा लिया, क्योंकि इमरजेंसी में तुरंत ले लेते हैं ना, क्योंकि भाई डॉग बाइट जो होता है बहुत ही वो माना जाता है, सीवियर माना जाता है, उसको तुरंत लिया डालना पड़ता है हमें। तो ये देख रहे हो ये 3 दिन का इनका डोजेस बना दिया, ये देखो ये साइड में दिख रहा है आपको ग्राफ टाइप का 0-3-7, मतलब कि एक आज पड़ा है, फिर एक 3 दिन के बाद पड़ेगा इसे, एंड फिर एक 7 दिन के बाद। मतलब अभी क्या है ना कि जो अभी सारे घर के अभी सारे गए हुए हैं ना, तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा ही परेशान है, और मतलब कि सबको ढूंढ रही है भाई, ये देख रहे हो बेटा खून चख लिया तुमने हमारा। आज से तू वेजिटेरियन नहीं रही। नहीं आज से मेरा खून है तेरे अंदर। आज से मेरा खून तेरे अंदर बह रहा है। आज से मेरी बेटी इधर आ। जब भी कोई आता था ना, तो तब भी कोई ना कोई इसको उठा लेता था, कोई ना कोई इससे प्यार करता, कोई ना कोई खेलता ही रहता, तो अब बिल्कुल ही अकेले पड़ गई है ना, तो इसलिए बिल्कुल ये परेशान हो रही है, और कुछ बात नहीं है। तो हमारा खाना भी है भाई, चाची जी ने भिजवा दिया था, तो हमने खुद नहीं बनाया, कहीं आपसे सोच रहे हमने बनाया, हमें नहीं आती भाई बनानी, रोटी तो बना लेंगे कैसे तैसे करके, लेकिन वो इतनी गोल कभी भी नहीं बनेगी, इतना तो मुझे भी पता है। देखो आता हूं मैं, मेरे को तो नहीं आता, पर भैया को आता था कुछ बनाना, ठीक है भाई, आता है लेकिन गोल नहीं बना सकता मैं, इतना तो 100% श्योर हूं मैं, गोल नहीं बनेगा, हाथ जैसे तैसे करके मैं बना दूंगा, लेकिन सब्जियां नहीं बनेंगी मेरे को, भी नहीं आती, इसे आती है थोड़ी बहुत चीजें। मैं तो पहले ये सोचने लग रहा था कि भाई सारे चले जाएंगे, आराम से रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा, लेकिन यार पहला दिन तो चला गया, लेकिन अब थोड़ा अकेलापन सा लग रहा है ना, बड़ी शांति लग रही है भाई पूरे घर के अंदर में, बड़ा ही मतलब अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि बहुत मजा आएगा अकेले में। हम ये सोच रहे थे कि यार ना सच में कि बहुत मजे आएंगे यार, अकेले रहेंगे हम, खाएंगे पिएंगे, लेकिन हकीकत में पूछो तो यार बड़ा ही अभी वो लग रहा है, शांति सा नहीं है बिल्कुल, पता नहीं क्या हो गया, शांति सा थोड़ा अजीब, मतलब अरे कुछ तो कम सा यार, ऐसा कुछ बोल के नहीं रहा हमें कुछ, मतलब देखो यार जो भी हो फैमिली फैमिली होती है भाई, उसके बगैर आप अधूरे हो, मम्मी की याद आ रही है। सही में मम्मी की याद आ रही है भाई, मम्मी की पतली पतली रोटियां, ओहो कसम से यार एक दिन में याद आ गई भाई, अभी तो मम्मी 15-1 दिन के बाद आने वाली है, कैसे मतलब 20 दिन के बाद, वो मम्मी से लड़ना वो बुराई करना मम्मी की, मम्मी आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, आप किसको बोलेंगे यार 20 दिन तक। मैं एक बार बताता हूँ मेन चीज, पता क्या है, सबसे अकेला मैं हो गया हूँ, क्यों अकेला तू, क्यों आपको तो वैसे भी खाली जगह चाहिए था पढ़ने के लिए पूरे टाइम, आप तो पढ़ते रहेंगे, मेरे काम और उन सबसे रहेगा, तो भी मैं मतलब मम्मी एक दो बार मेरे को कुछ भी लिया करते थे कि बेटा कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, आप तो वैसे कुछ नहीं पूछने वाले, ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो इसको मैं पूछता भी हो ना तो कहेगा अभी नहीं खा रहा, ओ भाई तो अब तेरे को एहसास होना चाहिए, शाम को चाय पिलाया आपने वो भी
बिना चीनी इतने दिन बाद पिया मैंने वो भी ऐसे कड़वा था। चाय तो पिलाया मैंने, ये तो सोचो। ठीक है चलो, ठीक है तो चलो ठीक है भाई, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। क्या कर सकते हैं भाई, रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है यार 15 दिन तक। बाय बाय। धुएं के बादल है दुनिया, ये मादर है छोर, रजौरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है, पागल है ट्रिप ये अलग, माल में फर्क नच बलिए तूने देखिए।